न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडली पेंशन अदालत का आयोजन हुआ संपन्न। कुल 6 में से 2 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। शेष मामलों के समय पर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। पीपीगंज में समूह एजेंट के साथ हुई लूट का एसएसपी ने किया खुलासा। 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। लूटा गया मोबाइल एवं पैसा बरामद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इंश्योरेंस कंपनी के प्रचार वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, किसानों में फसल बीमा के प्रति जागरूकता के लिए यह प्रचार वाहन सिद्ध होगा उपयोगी। एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए शुरू। आमजन को भारतीय सेना व एयरफोर्स की बहादुरी से कराया गया अवगत। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर की नारेबाजी। उम्भा गांव में हुए नरसंहार पर मृतक आश्रित से मिलने सपा प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। महानगर अध्यक्ष ने किया उठपटांग मांग। गैंगस्टर में वांछित 25,000 के इनामी अपराधी मानवेंद्र सिंह उर्फ मानू गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया खुलासा। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। अतिक्रमण दस्ते ने दर्जनों दुकानों के आगे बने नालों पर अतिक्रमण को कराया मुक्त। एसएसपी ने उत्तरी क्षेत्र के पुलिस अधिकारी व थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। लापरवाह थाना अध्यक्षों को एसएसपी ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेशी मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा काली पट्टी बांधकर जताया गया विरोध। कलेक्ट्रेट कर्मचारी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित पोस्टकार्ड किया प्रेषित। एसएसपी की अध्यक्षता में पुलिस पेंशनर्स गोष्ठी का किया गया आयोजन। शामिल हुए रिटायर्ड पुलिसकर्मी, रखी अपनी समस्याएं। संभल जिले में बदमाशों द्वारा 2 सिपाहियों के मारे जाने पर उनके लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। एसएसपी की अध्यक्षता में हुई व्यापारी बंधु की बैठक। बैठक के दौरान व्यापारियों की समस्याएं और उनके निराकरण पर हुई चर्चा। पुलिस लाइन में हेल्थ कैंप का हुआ आयोजन। पुलिस के जवानों, अधिकारियों और रिटायर्ड कर्मियों का हुआ निशुल्क जांच। दी गई मुफ्त सलाह एवं दवाएं। हिंदू युवा वाहिनी महानगर के पदाधिकारियों द्वारा आहूत की गई मासिक बैठक। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के दिए गए निर्देश। एसएसपी ने जांचा यूपी पुलिस की डायल 100 गाड़ियों के मेंटेनेंस। गाड़ियों का रख रखाव एवं वाहन चालकों को फिट रहने का दिया निर्देश। और लाइसेंस लेने वालों को पुलिस लाइन के अंदर 10 मीटर एयर राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल की कराई जाएगी ट्रेनिंग। एसएसपी ने कहा, पुलिसकर्मी भी लेंगे ट्रेनिंग।